Hello friends, good morning. In this video I am just discussing about some points on circles, and this is my WhatsApp number 8409252351. This is one. You can send me any question of mathematics and I will send you the solution. And this is the point number one, concentric circle. What is that? Same center but different radius. Center is same but the radius. This is a circle and this is another circle with different radius. This is the third circle with larger the that one. So this is called concentric circle. Similarly, the second one, that is equal circle. What is that? Equal radii. And with yahan pe equal circle kab bolenge? Equal radius hona chahiye. Where r equals to 1 assume karte hain, this is also equals to 1, that is equal, both are okay. Circumscribed circle. सर्कल टचेज ऑल वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन. किसी पॉलीगन का ऑल वर्टिसेस को टच करना चाहिए. एज फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक सर्कल है और इन साइड में कोई एक पॉलीगन हो सकता है, ठीक है, उसका ऑल वर्टिसेस को टच करना चाहिए, ठीक है. दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल. इंस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कल टचेज ऑल साइड ऑफ पॉलीगन, दैट इज वी कैन से दिस इज अ सर्कल जिसमें क्या हो रहा है, ऑल साइड को टच कर रहा है, तो दैट वन इज इंस्क्राइब्ड सर्कल. चलते हैं पॉइंट नंबर फाइव. व्हाट इज दैट? कॉर्ड. लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. ओके, तो वी हैव अ सर्कल एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि एनी टू पॉइंट्स को टच करें, मतलब कोई भी सर्कमफेरेंस पे टू पॉइंट्स को एक लाइन बना दे, तो दिस इज अ कॉर्ड. And a chord passes through the center of a circle is called diameter or largest chord. Center पे से पास करेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसको largest chord बोलेंगे. If this is a center and अगर chord pass करे center से तो this is a diameter हो जाएगा and largest chord. Point number six क्या है? A straight line drawn from a center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is at right angle to the chord. Okay, इसका मीनिंग क्या है कि a straight line drawn from a center of a circle, एक straight line है, जैसे कि आपके पास एक chord है initially, this is your circle and this is center and you have a chord like that A B. अब center से एक line pass करेंगे जो इसको bisect कर रहा है A B को. Center O हो गया और D is the point, this point, ठीक है, क्या कर रहा है वो, इसको bisect कर रहा है A B को. देन क्या बोला गया है, विच इज नॉट अ डायमीटर, ये जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं होना चाहिए, इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड. तो फाइनली क्या होगा हम लोग का रिजल्ट कि दिस इज परपेंडिकुलर टू, दैट इज वी कैन राइट ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है. चलते नेक्स्ट. द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड. इसी का जस्ट उल्टा है कि इफ यू हैव अ सर्कल एंड यू हैव अ कॉर्ड, ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इससे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, उसी का उल्टा है. द नेक्स्ट वन इज ग्रेटर द साइज ऑफ कॉर्ड स्मॉलर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड वाइस वर्सा. दैट इज एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि इफ यू हैव सर्कल्स, ओके, अगर आपके पास कॉर्ड का लेंथ ज़्यादा है, जैसे कि ये स्मॉलर कॉर्ड है, सेंटर सॉरी रेडियस सेम है, r equals to 1, ठीक है, और अगर ए बी और सी डी है, ठीक है, एंड इफ यू हैव ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ ये डी हो गया दिस पॉइंट और ये पॉइंट पी, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ओ पी इज ग्रेटर देन ओ डी हो जाएगा, ठीक है, जितना छोटा रहेगा तो वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी सही है, दैट इज अगर डिस्टेंस कम है तो कॉर्ड का लेंथ ज़्यादा होगा. पॉइंट नंबर एट, देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासिस थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. क्या बोला गया है कि आपके पास अगर तीन पॉइंट है तो, और अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या होना चाहिए, एक ही सर्कल ऐसा होगा जो उस तीनों पॉइंट को टच करें. पॉइंट नंबर नाइन, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. इक्वल कॉर्ड अगर है इसी का पोर्शन है, ठीक है, ये जो पॉइंट था ना, ग्रेटर द साइज ऑफ कॉर्ड स्मॉलर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसी का एक पोर्शन बोल सकते हैं.
इक्वल कोण अगर है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज वॉट, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल, जस्ट इसी का इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब रिवर्स, इसमें जो बोला था इसका उल्टा बोला गया है, ठीक है। तो दस देर अबाउट 10 पॉइंट्स रिलेटेड टू सर्कल। ओके फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।